हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। आज के इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक का नाम सुनकर बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन ये टॉपिक है बहुत आसान और इस टॉपिक को मैं इतने अच्छे से क्लियर करूंगी कि आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझने से पहले मैं आपको कुछ हिंट देती हूँ। जब आप उस हिंट को समझेंगे ना, तभी आप बहुत ही आसानी और बहुत ही अच्छे से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझ पाएंगे। तो चलिए वो देखते हैं हिंट कौन सा है। पहला है, मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, और ये हो गया उसका मुख्य अक्ष, सीधा मैं बना दे रही हूँ, और ये हो गया उसका केंद्र, वक्रता केंद्र। जानते हैं ना वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये देखिए ये जो गोला है जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये हो गया उसका ध्रुव। ये सारी चीजें हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए कोई किरण है, इस मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह आपतित हुई, ये आपतित किरण है, और ये इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई यानी कि आई और इस परावर्तक सतह पर टकराई। और हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई आपतित किरण परावर्तक सतह पर आकर टकराती है तो उस पर प्रकाश के परावर्तन का नियम लगता है। जब कोई किरण इस तरह आती है और टकराती है परावर्तक सतह से, तो हम उस पर क्या खींचते हैं? 90 डिग्री का लंब खींचते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर आई है किरण और ये हो गया इसका आपतन बिंदु, तो इस बिंदु पर हमें क्या खींचना है? अभिलंब खींचना है। तो आप किस तरह खींचेंगे? यहाँ पर प्लेन सतह था तो आप आसानी से 90 डिग्री का लाइन खींच दे रहे थे, अभिलंब हो जा रहा था। यहाँ पर प्लेन सतह नहीं है, मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप किस तरह अभिलंब खींचेंगे? चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए ये गोला है, हमेशा केंद्र को परिधि से मिलाते हैं, इसको बोलते हैं हम परिधि। हमेशा केंद्र को जब परिधि से मिलाते हैं तो हमेशा 90 डिग्री का लाइन होता है, हमेशा 90 डिग्री का लाइन होता है। तो जब हम, ये भी एक परिधि टाइप का है और ये हो गया इसका आपतन बिंदु, तो ये रहा इसका केंद्र। जब हम केंद्र को इस आपतन बिंदु, इस परिधि से मिलाएंगे तो वो भी 90 डिग्री का लाइन होगा, ठीक है। और ये जो किरण है ये टकरा गई, इस पर हमने अभिलंब खींच दिया। अब ये टकरा कर वापस जाएगी तो हमेशा फोकस पर मिलती है, हमेशा फोकस बिंदु से होकर जाती है। या फिर दूसरा किरण ले लीजिए, ये देखिए ये भी आई, इस पर हमने क्या डाल दिया? अभिलंब डाल दिया सीधा, ठीक है। अब ये टकरा कर हमेशा फोकस से होकर जाएगी। यही इम्पोर्टेंट हिंट्स है कि जब कोई प्रकाश किरण या फिर जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा हमेशा फोकस बिंदु पर मिलती है, हमेशा फोकस से होकर जाती है। और यही आपका फर्स्ट हिंट है। यहाँ पर लिख देंगे हिंट नंबर वन। और लिखिए कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस बिंदु से होकर जाती है। लिखिए या फिर मैं लिख दे रही हूं, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मैं हिंट लिख दी हूँ, हिंट नंबर वन, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, हमेशा फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये मैं लिख दी हूँ, आप यहाँ तक लिख लीजिए, तब मैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको लिख लिए, अब चलिए हम अगले हिंट को समझते हैं। मैं इसको मिटा देती हूँ। दूसरा हिंट है, मान लीजिए यह अवतल दर्पण है,
ठीक है, और ये हो गया उसका मुख्य अक्ष, ये हो गया उसका केंद्र, और मान लीजिएगा इसका फोकस ये है, फोकस बिंदु ये है। अब मान लीजिए कोई किरण आ रही है और वो फोकस से होकर आ रही है इस तरह। पहले क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, लेकिन अब क्या किरण आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। जब कोई किरण फोकस से होकर आती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला केस क्या था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो फोकस से होकर गुजर रही थी, लेकिन इस केस में जो फोकस बिंदु है उससे होकर आती किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद वो टकरा कर हमेशा फोकस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये हिंट नंबर 2 है, और आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ। लिखिए कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे अगले हिंट को समझते हैं मिटाकर। यहाँ पर हम बनाएंगे फिर से अवतल दर्पण, और ये हो गया उसका मुख्य अक्ष, और इसको बोलते हैं हम ध्रुव, इसको बोलते हैं केंद्र, और मान लीजिए ये हो गया इसका फोकस बिंदु। ठीक है, अब जो किरण आई है वो मान लीजिए वो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है इस तरह, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है और इस बिंदु पर टकरा रही है, ये हो गया इसका आपतन बिंदु। जब हम इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे तो ये केंद्र से हम इस आपतन बिंदु को मिलाएंगे, तो अभिलंब भी यही हो रहा है और किरण जो आई है वो अभिलंब पर ही आई है। तो जब यहाँ पर आपतन कोण भी क्या है, 0 डिग्री है, और परावर्तन कोण भी क्या है, 0 डिग्री है, यानी कि जिस दिशा में ये किरण आई है उसी दिशा में टकराकर वापस लौट जाएगी। तो लिखिए इस बात को हिंट नंबर 3 देकर, लिखिए कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो हमेशा उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये हो गया 3। अब हम फाइनली समझते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह बनाते हैं। अगर आप इस हिंट्स को समझ गए हैं ना तो आप आसानी से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, मिटा देती हूँ मैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें वस्तु चाहिए होता है। जब वस्तु रहेगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा ना, और वस्तु को फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं बिंब, बिंब बोलते हैं। हम बिंब की स्थिति अलग अलग लेंगे, यानी कि बिंब हम समझा दिए ना, बिंब किसे कहते हैं, वस्तु जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि बिंब को आप वस्तु भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बिंब को अलग अलग जगह रखेंगे अवतल दर्पण के सामने, और तब हम अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो पहली हम स्थिति कहाँ रख रहे हैं बिंब की, अनंत पर। अनंत को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनाइट, यानी कि जो वस्तु रखी हुई है वो बहुत ही दूर रखी हुई है। मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता दूं कि इसी एकेडमी में, आप जानते हैं ना कि इस एकेडमी में बहुत सारे टीचर हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। इसी में अमित सर मैथमेटिक्स को पढ़ाए हैं, उसमें वो पढ़ाए हैं रियल नंबर क्या है, और उसमें वो बताए हैं कि इन्फिनाइट नंबर क्या है, यानी कि अनंत संख्या क्या है। मैं उसी को एक बार याद दिला दे रही हूँ। जब आप 1 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर फिर से 0, यहाँ पर 3, 9, 1, यहाँ पर 3 3 3 3 3 3 आते ही रहेगा, और यहाँ पर इन्फिनाइट लग जाता है। वो बताए हैं कि इन्फिनाइट नंबर क्या है, तो यहाँ पर 3 3 3 3 आते ही रह जाएगा, हमें पता नहीं है कि कितना दूर तक जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये अनंत होता है, इसमें हमको पता नहीं होता है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम अनंत। अब हम समझते हैं कि अनंत पर रखी वस्तु को
अवतल दर्पण में किस तरह प्रतिबिंब बनाते हैं? मैं मिटा देती हूँ, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये मान लीजिए फोकस और ये मान लीजिए ध्रुव। हम कहाँ पर रखे हैं वस्तु को? अनंत पर रखे हुए हैं। हम अनंत से क्या मंगाएंगे? दो किरणें। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम उससे दो किरणें मंगाते हैं और वो दो किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर बन जाता है उसका प्रतिबिंब। तो हम अनंत से दो किरणें मंगाएंगे और वो दो किरणें इस परावर्तक सतह से टकराएगी और टकराकर जहां पर मिलेगी वहां पर बन जाएगा उसका प्रतिबिंब। तो हम यहाँ पर दो किरणें मंगा रहे हैं, एक ये और एक ये। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ये दोनों किरणें आई। और आप अभी अभी इसी वीडियो में पढ़े कि जब कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस पर मिलती है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पर फोकस पर। ये दोनों किरणें कहाँ मिली? फोकस पर। इसीलिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना है? प्रतिबिंब फोकस पर। और दूसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब ध्यान दीजिए, ये किरण है ए, ये किरण है बी। ये ए किरण टकराकर नीचे आ गई ए, और ये बी किरण टकराकर ऊपर चली गई बी। आपको देखकर लग रहा होगा ये जो है ए और बी बिल्कुल उल्टा हो गया है यहाँ पर, यानी कि वस्तु का उल्टा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर। तो लिखेंगे उल्टा, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? उल्टा। और ये किरणें वास्तव में मिल रही है यहाँ पर, रियल में मिल रही है यहाँ पर किरणें, तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक, ये हो गया। अगला लिखेंगे प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब का आकार, आकार कैसा है? वस्तु अनंत पर रखी हुई है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इस फोकस पर इतना छोटा सा, बहुत ही छोटा, अब इतना छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा। तो हम क्या लिखेंगे? अत्यंत सूक्ष्म। ठीक है, तो हम एक स्थिति समझ गए हैं जहां पर हम रखे हैं अनंत पर वस्तु की स्थिति। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। प्रकृति क्या हो रही है? उल्टा तथा वास्तविक। और आकार कैसा हो रहा है? अत्यंत सूक्ष्म। अब हम दूसरा स्थिति लेते हैं, यानी कि अब वस्तु को हम दूसरी जगह पर रखेंगे और तब हम उस अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब को बनाएंगे। मैं इसको मिटाती हूँ। लिखेंगे बिंब की स्थिति। अब हम बिंब की स्थिति कहाँ लेंगे? सी से परे। सी को बोलते हैं हम वक्रता केंद्र। यहां पर हम अवतल दर्पण बनाएंगे समझने के लिए। ठीक है, ये हो गया उसका मुख्य अक्ष, ये हो गया उसका वक्रता केंद्र, और हम वस्तु, ये हो गया इसका ध्रुव और ये हो गया मान लीजिए उसका फोकस। हम कहाँ पर बिंब वस्तु को रखें? वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र से परे यानी कि पीछे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया वस्तु की ऊंचाई, इतना वक्रता केंद्र के पीछे हम वस्तु को रख दिए। अब इस वस्तु का हमें क्या बनाना है? इस दर्पण पर प्रतिबिंब बनाना है। तो हम इससे क्या निकालेंगे? दो किरणें निकालेंगे। पहला इस तरह एक ले लीजिए और दूसरा एक मैं फोकस से होकर गुजार रही हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं एक सीधा लेकर जा रही हूँ और एक फोकस से होकर गुजार रही हूँ, तो आप भी उसी तरह लेकर जाएंगे। आप वक्रता केंद्र से भी लेकर जा सकते हैं, इधर भी लेकर जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं, लेकिन जहां पर ये दोनों किरणें मिलेंगी ना, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और जिधर जिधर डायरेक्शन में आप लेकर जाएंगे, उधर से जब प्रकाश टकरा कर जिस भी बिंदु पर मिलेंगी, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि ये दो किरणें जहां पर भी मिलेंगी परावर्तन के पश्चात, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। आप चाहे जिस डायरेक्शन में, अगर आप इस डायरेक्शन में लेकर प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, तो भी ये दोनों किरणें जहां मिलेंगी वहां पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, इस पर हम अभी क्या पढ़ चुके हैं, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद किस पर मिलती है, फोकस से होकर, फोकस पर मिलती है, तो फोकस से हम इसको गुजार देंगे। ये हो गया। और हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये इसको भी मुख्य अक्ष के समांतर कर देंगे, ये इधर चली गई। यानी कि ये दोनों किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद कहाँ मिली, यहाँ पर दोनों किरणें मिल रही हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा इन दोनों का प्रतिबिंब। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी किरणें लेकर जाते हैं ना वक्रता केंद्र से, तो भी ये यहाँ पर ही मिलती, या अगर आप यहाँ पर लेकर जाते हैं या फिर कहीं भी लेकर जाते हैं, तो भी ये यहीं पर मिलती। आप कहीं किसी भी डायरेक्शन में लेकर जाइए किरणें, मिलेंगी तो ये यहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, तो लिखेंगे सी व एफ के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, ये जो किरण आई है टकरा कर नीचे चली गई है और ये जो किरण आई है ऊपर चली गई, यानी कि ये जो वस्तु है इसका उल्टा प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ पर लिखेंगे उल्टा, तथा ये दोनों किरणें वास्तव में मिल रही है, रियल में भी मिल रही है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे उल्टा तथा वास्तविक। ठीक है, आकार क्या होगा प्रतिबिंब का, देखिए ये जो वस्तु है इससे ये जो प्रतिबिंब बना है इससे छोटा है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि ये जो वस्तु है इससे थोड़ा सा छोटा बना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा या फिर बिंब से छोटा। हो गया, जब हम बिंब की स्थिति सी से परे रखते हैं यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। ठीक है, अब हम अगला स्थिति कहाँ लेंगे बिंब की, चलिए देखते हैं मिटाकर। बिंब की स्थिति अब हम रखेंगे वक्रता केंद्र सी पर। ठीक है, अब यहां पर हम अवतल दर्पण बनाएंगे और ये हो गया उसका मुख्य अक्ष, ये हो गया उसका वक्रता केंद्र और ये मान लीजिए उसका फोकस बिंदु। हम वस्तु कहाँ पर रखे हैं, वक्रता केंद्र पर। अब डायरेक्ट ये हो गया आपका वस्तु। ठीक है, इसकी ऊंचाई इतनी है, अब इसको हमें प्रतिबिंब बनाना है अवतल दर्पण पर, तो हम इससे दो किरणें निकालेंगे, पहला ये, तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी, ये हो गया गुजर गई। दूसरा किरण कहाँ से निकालेंगे, दूसरा किरण फोकस से निकालिए, और ये जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो इसको भी आप समांतर कर दीजिए, तो यहाँ पर ये किरणें मिल रही हैं, तो ये बन गया इसका प्रतिबिंब। यानी कि जो सी पर रखी हुई बिंब है, सी पर रखा हुआ जो वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रखेंगे, लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति
वक्रता केंद्र सी पर। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कहाँ किस तरह लिखेंगे? मैं सिर्फ प्रकृति लिख रही हूँ, प्रकृति। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये दोनों किरणें वास्तव में यहां पर मिल रही हैं, इसीलिए वास्तविक तथा वस्तु से ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए वास्तविक तथा उल्टा। आकार क्या है? ये जितना इसका ऊंचाई है बिल्कुल उतना ही इस प्रतिबिंब का भी ऊंचाई है, यानी कि वस्तु के बराबर, बिंब के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, बिंब की हम स्थिति कहां पर रखे थे? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र पर ही बना है, यानी कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगी और वास्तविक तथा उल्टा होगा और बिंब के बराबर होगा। अब हम बिंब की स्थिति दूसरी जगह पर रखते हैं, मिटाती हूँ मैं। अब हम बिंब की स्थिति रखेंगे सी व एफ के बीच। वस्तु कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। चलिए रखते हैं, अवतल दर्पण बनाएंगे और ये हो गया उसका मुख्य अक्ष, और ये हो गया उसका वक्रता केंद्र, और ये हो गया उसका फोकस बिंदु। ठीक है, हम वस्तु कहाँ पर रखें? सी और एफ के बीच में, ये हो गया, इन दोनों के बीच में हम वस्तु को रख देते हैं। अब इनको हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है अवतल दर्पण पर, इससे दो किरणें निकालेंगे। पहला, ये समांतर है मुख्य अक्ष के, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, तो इसको फोकस से होकर गुजार देते हैं। ठीक है, अब दूसरे किरण फोकस से होकर लेकर चले जाते हैं इस तरह। ठीक है, और जब फोकस से किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये हो जाएगी समांतर। ठीक है, ये दोनों किरणें कहाँ मिली? यहाँ पर मिली, यहाँ पर बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, सी से परे, यानी कि जब हम बिंब की स्थिति रखे थे, वस्तु कहाँ पर रखे थे? सी व एफ के बीच, तो वो दो किरणें हम भेजे, परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिली वहां पर बन गया प्रतिबिंब, यानी कि सी से परे उस वस्तु का प्रतिबिंब बना है। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे हम? प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे सी से परे। इसके पहले वाले, मतलब इसी कुछ ही के पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब हम रखे थे सी से परे वस्तु को, रखे थे सी से पीछे वस्तु को रखे थे, तो टकरा कर किस बिंदु पर मिली थी? टकरा कर सी और एफ के बीच मिली थी, यानी कि जब हम वस्तु को रखे थे सी से पीछे तो वो टकरा कर सी और एफ के बीच मिली थी, तो यानी कि सी और एफ के बीच प्रतिबिंब बना था। लेकिन हम इसमें वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? सी और एफ के बीच, तो इनका प्रतिबिंब सी से परे बन रहा है। ठीक है, प्रकृति क्या लिखेंगे? दोनों वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक, तथा उल्टा, डायरेक्ट दिख रहा है उल्टा। आकार क्या रखेंगे? वस्तु से बड़ा, देखिए ये रहा वस्तु और इससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, क्या रखेंगे? बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। तो जब हम सी व एफ के बीच वस्तु को रखें तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिला? सी के वक्रता केंद्र के पीछे। और जब हम वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु सी व एफ के बीच वस्तु को रखे थे तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिला था? सी के पीछे। लेकिन हमें सी और एफ के बीच प्रतिबिंब मिला था जब हम वस्तु को सी के पीछे रखे थे, तो वक्रता केंद्र के पीछे रखे थे तो। लेकिन अब हम इस वस्तु इस अभी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रख रहे हैं, तो सी से पीछे हमें प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, अगला हम स्थिति देखते हैं बिंब की।
अब हम बीम की स्थिति रखेंगे F पर, यानी कि फोकस बिंदु पर। चलिए अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका केंद्र, वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस बिंदु, और ये हो गया ध्रुव। हम वस्तु को कहाँ पर रखे हैं? फोकस बिंदु पर। ये हो गया फोकस बिंदु पर हम वस्तु को। अब हम इससे दो किरणें निकालेंगे। पहला ये इस तरह किरणें निकाल दिए, मुख्य अक्ष से समांतर रही तो टकराकर फोकस से गुजरेगी, इस तरह निकाल दीजिए। ठीक है, सीधा नहीं बना है, सीधा बना देते हैं। तो दूसरा किरण किस तरह निकालिए? इस तरह निकालिए कि सी को टारगेट करे, यानी कि इस तरह, ताकि हम आसानी से अभिलंब बना सके। इस तरह अभिलंब बनाएंगे, इस तरह, तो बिल्कुल अभिलंब पर ही ये किरण जाएगी। तो जा रही है अभिलंब पर, तो टकरा कर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, यानी कि ये बिल्कुल इस तरह वापस लौट जाएगी। अब देखिए, दोनों दोनों किरणें टकरा कर वापस लौटी हैं, तो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं, बिल्कुल समांतर हैं। तो इन दोनों किरण जब समांतर हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इनका प्रतिबिंब कहीं दूर बनेगा, यानी कि अनंत पर बनेगा। ऐसा लगेगा कि कहीं ये मिलेंगी, समांतर है तो कहीं मिल सकती हैं, ऐसा हम आशा कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो दोनों किरणें हैं वो कहीं दूर जाकर मिलेंगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो हम प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। डायरेक्ट मैं प्रकृति लिख दे रही हूं। ठीक है, देखिए ये किरणें वास्तविक हैं, क्योंकि जब ये मिलेंगी एक दूसरे से तो वास्तव में मिलेंगी, तो वास्तविक। ठीक है, वास्तविक तथा ये रहा ऊपर वस्तु, और जब ये मिलेंगे तो नीचे की तरफ मिलेंगी, तो उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। आकार कैसा होगा? अत्यंत विवर्धित। विवर्धित मतलब बड़ा, यानी कि जब ये मिलेंगी ना, तो ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम अगला बिंब की स्थिति रखेंगे F, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच। तो चलिए रखते हैं, यहाँ तक आप लिखना चाहें तो लिखिए। अब हम बिंब की स्थिति रखेंगे F व P के बीच, यानी कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच। चलिए रखते हैं, यहाँ पर अवतल दर्पण बनाएंगे। इस तरह ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस बिंदु है, और ये हो गया इसका ध्रुव। हम वस्तु कहाँ पर रखे हैं? ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में। तो ये रख दिया हम ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में। ठीक है, अब ये जो किरण है, एक किरण किस तरह निकालेंगे? इस तरह टकरा कर किधर जाएगी? इस बिंदु से इस तरह चली जाएगी। ठीक है, और दूसरी किरण को हम किस तरह निकालेंगे? ऐसा निकालेंगे कि ये सी को टारगेट करते हुए निकलेंगी, यानी कि इस तरह। जब हम लंब खींचे तो बिल्कुल उसी दिशा में हो। ठीक है, यानी कि लंब पर ही हम किरण को निकालेंगे। तो जब ये टकराएगी तो लंब उसी दिशा में, और प्रकाश किरण जब टकराएगी तो उसी दिशा में टकराएगी, तो टकरा कर वापस उसी ही दिशा में लौटेगी। तो ये उसी दिशा में इस तरह वापस लौट जाएगी। अब देखिए, ये दोनों किरण जो है ये टकराई, और टकरा कर जब वापस लौटी तो ऐसा लग रहा है ये कभी मिल पाएंगी, एक दूसरे से ये फैलती हुई चली गई, अब ये कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम इसको जबरदस्ती मिलाएं तो ये पीछे की तरफ मिलेंगी, इस तरह पीछे की तरफ मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर मिलेंगी, और यहाँ पर बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। यानी कि ये जो दो किरणें हैं टकरा कर जब वापस लौटी तो ये एक दूसरे से फैलती हुई चली गई, ये कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम जब इनको जबरदस्ती मिलाए तो यहाँ पर मिल रही हैं, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम क्या लिखेंगे? दर्पण के पीछे।
तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे दर्पण के पीछे, ठीक है। प्रकृति क्या होगा? अब ये जो दोनों किरणें हैं, ये तो वास्तव में नहीं मिल रही है, वास्तव में मिलती तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता। इन किरणों को हम जबरदस्ती मिला रहे हैं यहाँ पर, तब इनका प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि ये किरण, ये जो प्रतिबिंब है वो कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति आभासी, ठीक है, आभासी, इस तरह आभासी हो गया। अब ये जो वस्तु है, ये हो गया इसका वस्तु, बिल्कुल इसके सामने प्रतिबिंब बना है, यानी कि बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा, तो लिखेंगे आभासी तथा सीधा, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बना है, दर्पण के सामने बना है और सीधा बना है। आकार कैसा होगा? आकार देखिए, ये वस्तु इतना छोटा है, इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है? इतना बड़ा, यानी कि जो वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ये जितने भी ये स्थिति लिए, हम अलग अलग स्थिति लिए और अलग अलग स्थिति लेकर हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आप इसको, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और इस वीडियो को आप रिवाइज कर कर फिर से देख लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और इससे सवाल आता ही आता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लिख कर याद कीजिए, ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आने वाले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।